हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये TR1 और TR2 में जो करेंट अफेयर्स आए थे उसी को दोहराते हैं और निश्चित ही हो सकता है सक्षमता परीक्षा में आ जाए। देखते हैं, एक नंबर से शुरू करते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन हैं? तो पद्मश्री बिमल पटेल जी हैं। आगे देखते हैं, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? तो मध्य प्रदेश ने दिया। किसने दिया? मध्य प्रदेश ने दिया। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, मतलब कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर बनाया। क्या चीज बनाया गया? तो केबल स्टे रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनाया गया। आगे देखते हैं, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। क्या किया जाएगा गुजरात में? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का है सदस्य है? तो इसमें था एक से अधिक, ये आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर लेंगे। आगे देखते हैं, 17वां नंबर आगे देखते हैं, ये 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? एक बार फिर सुन लें, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो रूस के राष्ट्रपति जी थे जिनका नाम था व्लादिमीर पुतिन। आगे देखते हैं, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, मतलब कहाँ हुआ? पापुआ न्यू गिनी में हुआ। आगे देखते हैं, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो न्यूयॉर्क के किए गए हैं। आगे देखते हैं, किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो USA ने किया था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, मतलब किसे दिया गया? तो जॉर्जी गोस्पो डिनोवो को दिया गया। आगे, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? CEO के अधिकारी कौन है? तो यह है लिंडा याकारिनो। आगे देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तीन में से कोई नहीं है, इसका 51.5% आंसर है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, और चाहे तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं, किस लिए जानी जाती हैं? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। आगे देखते हैं, TR2 में जो आया था उसका देख लेते हैं अब। भारत के किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इन्वेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर करी है। आगे देखते हैं, भारत के नौ उद्घाटित संसद में संसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 सीटें हैं। कितने हैं? 1272 सीटें हैं। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने
यहाँ भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। आगे देखते हैं, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अमित क्षत्रिय को। एक बार फिर से देख लेते हैं, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किया गया है उन्हें अमित क्षत्रिय को। आगे देखते हैं, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमा राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10% देना होगा। आगे देखते हैं, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C-919 यात्री विमान बनाया है? तो चीन ने बनाया है। आगे देखते हैं, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो कृति राज सिंह भारत्तोलन से संबंधित हैं। किससे हैं? भारत्तोलन से हैं। आगे देखते हैं, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान ने किया है। क्या किया सिवान ने? बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्योग विकास रैंकिंग में 2022 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, सिवान ने किया है। आगे देखते हैं, कथन एक पृथ्वी कुछ ही एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? एक पृथ्वी एक परिवार संबंध है G20 से है। यहाँ तक बने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।